मैपलेस के पॉपुलर टीवी सीरियल झनक में देखने को मिल रहा है अनिरुद्ध का कंफ्यूज्ड साइड। एक बार फिर से झनक के जाने के बाद अनिरुद्ध को कभी लगता है कि उसे अर्शी के साथ रहना है, तो कभी अनिरुद्ध को लगता है कि झनक जिंदा है और वो कभी भी वापस लौट कर आ सकती है। इस सब में अर्शी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है, जो अभी भी अनिरुद्ध के साथ रुकी हुई है। प्रीकैप में बहुत इजीली यही देखने को मिला कि कैसे पूरा परिवार मौजूद है वहीं पर। अनिरुद्ध भी वहीं है, अर्शी भी वहीं है, उसकी माँ सृष्टि भी वहीं है, लेकिन अनिरुद्ध फिर भी यहाँ सबके सामने कहता है कि उसे लगता है कि झनक जिंदा है और वो जल्दी लौट कर आएगी। जबकि इससे पहले वाले एपिसोड में अनिरुद्ध ने अर्शी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे छोड़कर कहीं भी ना जाए। या तो अनिरुद्ध दोनों के साथ रहना चाहता है या फिर उसका कैरेक्टर इतना कंफ्यूजिंग कर दिया है कि फैंस के वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि झनक का काफी अंदाज बदल चुका है, इतना कि अब कोई इस बात पर शक भी नहीं कर रहा है कि वो एक्चुअल में झनक है या फिर नूतन। नूतन का ये नया लुक फैंस को बहुत अच्छा लग रहा है और हर कोई चाहता है कि इसी के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी झनक से बहुत ज्यादा ऊपर हो और इसी के साथ वो सबकी धज्जियां उड़ाती भी नजर आए। खूबसूरत तो वो हमेशा की तरह लगती ही है। फैंस को स्टोरी शायद इतनी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि झनक सीरियल अब टॉप 5 में नहीं है। झनक के ऊपर स्टार प्लस के 5 और सीरियल्स हैं जो फैंस को बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेटेस्ट एपिसोड पर कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए। एक यूजर ने कहा, वी वांट टू सी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एटीट्यूड वाली झनक, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, वी वांट टू सी सक्सेसफुल झनक। एक और यूजर ने कहा, अनिरुद्ध भैया थोड़ा तो शर्म करो, कल ही बोल रहे थे अर्शी के साथ सिंपल लाइफ चाहिए, अब बोल रहे हो झनक आ जाएगी शायद। भाई वो क्यों आएगी तेरे और तेरी पत्नी की सेवा करने, घटिया आदमी मनहूस की तरह झनक की जिंदगी में बैठे हो। एक और यूजर ने कहा, सृष्टि के रिएक्शंस पर बेस्ट पार्ट फ्रॉम टुडेज एपिसोड, नूतन्स रॉकिंग एंट्री एंड सृष्टिज एक्सप्रेशंस। वहीं एक ने कहा, झनक सॉरी मेकर्स, यू आर लूजिंग द प्लॉट, अनी कैन नॉट बी पोर्ट्रेड एज अ कंफ्यूज कैरेक्टर, यू विल मेक द व्यूअर्स लूज इंटरेस्ट इन रुनक एज अ होल, विच मीन्स फॉर योर शो, अनलेस दैट्स व्हाट यू आर एमिंग फॉर।